हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हम मिस्टर अर्जुन विश्वकर्मा जी के साथ हैं, जो कि अनअकैडमी के फ्रीक्वेंट यूज़र हैं, और ये खुद बताएंगे अपना एक्सपीरियंस, आखिर इनका एक्सपीरियंस अनअकैडमी के साथ कैसा रहा। तो बताइए अनिल विश्वकर्मा जी, अनअकैडमी के साथ आप कब से जुड़े हैं, और जब से जुड़े हैं तब से लेकर के अभी तक का आपका अनुभव कैसा रहा अनअकैडमी के साथ? सर, अनअकैडमी से हम पिछले 2 सालों से जुड़े हुए हैं, और अनअकैडमी में मतलब उसमें इंग्लिश, मैथ, जीएस, रीजनिंग, ये सब क्लासेस बहुत अच्छी होती है। और पिछले हम 2 साल से क्लासेस कर रहे हैं, और एसएससी सीजीएल में पहले हम उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते थे, जो कि सबसे मेरा वीक पॉइंट था इंग्लिश और मैथमेटिक्स। लेकिन अनअकैडमी जुड़ने के बाद मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और स्कोर भी बहुत अच्छा जा रहा है। पिछले बार का मतलब 2018 वाला जो कट ऑफ जो सीजीएल का आया, उसमें आ नहीं पाए, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। उम्मीद करते हैं कि इस बार 2021 में इस बार अच्छा सीजीएल में करेंगे। अनअकैडमी का हम कंटिन्यूसली क्लास लेते हैं, सॉरी करते हैं, क्लास करते रहते हैं रेगुलरली। और नो डाउट सारे स्टूडेंट लोग को हम यही फीडबैक देना चाहेंगे कि अनअकैडमी बेस्ट इंस्टीट्यूट में से एक है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है, अगर कोई प्रिपरेशन करना चाहता है, तो अनअकैडमी मेरे लिए तो सबसे बेस्ट है, ये तो कहना चाहिए। आप मुझे बताइए, मैं अनअकैडमी के 5 पॉइंट आपको गिनाने के लिए कहूँ, 5 पॉजिटिव पॉइंट्स जो कि मतलब उसके एडवांटेजेस हैं, तो क्या आप 5 पॉइंट गिना सकते हैं कि क्या फ़ायदा हो, मतलब कि पॉइंट बाय पॉइंट करके बताइए, हाँ अनअकैडमी का ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है। देखिए, पहला पॉइंट जो है सबसे बड़ी बात, कि जितने भी न्यू जनरेशन के जितने भी स्टूडेंट जो आ रहे हैं कंपटीशन के लिए, तो सबसे पहले तो हम कहेंगे अनअकैडमी बेस्ट है, क्योंकि उसमें बेसिक जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। क्यों बेस्ट है ये? बेस्ट का जो पैरामीटर है, वो पैरामीटर क्या है, किस बेसिस पर आप बोल रहे हैं बेस्ट है ये? बेस्ट इसलिए है क्योंकि उसमें जो जितने भी टॉपिक लिए जाते हैं, जितने भी पढ़ाई कराए जाते हैं, सब बेस पे एकदम रेगुलर, एकदम निचले स्तर से अच्छे स्तर से पढ़ाया जाता है। और फंडा जो है, दूसरा जो पॉइंट है कि इसमें फंडा को अच्छी तरह से डिस्कस किया जाता है, और हर क्वेश्चन को अच्छे से डील किया जाता है। जो एक बार कोई कैंडिडेट पढ़ लिया, जैसे कि अगर आप मान लीजिए कॉमन एरर में आ जाइए, एंटोम में आ जाइए, सिनेमम में आ जाइए, वन आउट सब्स्टिट्यूशंस में आ जाइए, प्रोवर में आ जाइए, एक्सिलरी वर्ब में आ जाइए, तो ये सब में ग्रामेटिकल सेक्शन में सब बहुत अच्छे से डील किया जाता है। तो अगर बेस क्लियर है तो कंपटीशन तो अच्छी तरीके से हो ही जाएगा। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि बेस्ट तरीके से डील किया जाता है? क्या आपको अनअकैडमी के अलावा किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का या ऑफलाइन कोचिंग का एक्सपीरियंस है, जिससे आप कंपेयर करके इसको बेहतर बोल पा रहे हैं? पिछले क्योंकि जब तक आपको दूसरे किसी का एक्सपीरियंस नहीं है, केवल एक ही चीज़ को आपने एक्सपीरियंस किया है, तब तक आप इसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे किसी दूसरे के साथ। इससे पहले मतलब हम रांची में रहते थे, रांची से हम पढ़ाई लिखाई सब कुछ किए हैं, और इसके बाद हम सीओर सक्सेस सेंटर रांची में हम ज्वाइन किए थे। तो वहाँ पे मतलब कहा जाता है कि कहते तो कुछ और है, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं था पढ़ाई लिखाई कंटिन्यूसली, कुछ नहीं, कभी ये दिन, कभी उस दिन, कभी इस दिन अपसेंट, मटेरियल्स के नाम पे वैसा कुछ मिलता नहीं था। उसके बाद करीब 6 महीने क्लास करने के बाद मैंने चंदन क्लासेस रांची ज्वाइन किया, और उसमें भी कोई खास एक्सपीरियंस रहा नहीं, ना कि जीएस में भी कुछ अच्छे फैकल्टी थे, ना मैथ्स में थे, ना मतलब कहा जाता है कि टीचर लोग जो है बच्चे लोगों से खिलवाड़ करते थे। ये सच है कि मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में बच्चे लोग से खिलवाड़ होता है, लेकिन अनअकैडमी में एक विश्वास है, ये हम कहना चाहते हैं, बहुत विश्वास है। हम कंटिन्यूसली क्लास करते हैं, और नो डाउट बेस्ट है। और तो हम सब स्टूडेंट लोग को यही कहना चाहेंगे कि अनअकैडमी आप लोग ज्वाइन कीजिए, और अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अब मुझे ये बताइए कि आप अनअकैडमी के फ्री प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं या पेड प्रोडक्ट को? देखिए, अनअकैडमी में ऐसा नहीं है, सारा पेड प्रोडक्ट भी सारा अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ फंड मतलब जो फ्री जो टॉपिक है उसमें भी सारा अच्छा अच्छा है। कुछ कुछ ऐसा कंटेंट वो लोग डालते हैं कि कुछ आपको फ्री में नहीं मिलता है, लेकिन कुछ उसमें भी मिलता है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप पेड सब्सक्रिप्शन कब से लेके रखे हैं? देखिए, पेड हम पिछले मतलब 1 साल से हैं, लेकिन फ्री वाले पिछले हम 1 साल यूज़ किए थे फ्री वाले, लेकिन उतना हमको उतना सोचे कि अब आगे बढ़ना चाहिए, तो हम पेड सर्विस में हम ओनली फॉर एसएससी सीजीएल के मतलब एसएससी के लिए हमारे मतलब 1 साल आप फ्री यूज़ किए, आपको अच्छा लगा तो पेड की तरफ से ले। हाँ, तो पेड वाला आप कितना साल का वैलिडिटी वाला लिए, 1 साल वाला लिए, 2 साल वाला लिए? 1 साल वाला। क्या प्राइस पड़ा आपको? हमको पड़ा था उस वक्त का हम लिए थे आपको 3,999 रुपये का। तो उसकी वैलिडिटी अभी कब तक है? वैलिडिटी हमारा इस बार आपको अगस्त में खत्म हो जाएगा। अगस्त में खत्म हो जाएगा जी। आप देखिए, इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, कितना भी आप कोशिश कर ले, कुछ पॉजिटिव होती है तो कुछ निगेटिव होती ही होती है। तो मैं अनअकैडमी का कुछ निगेटिव पॉइंट्स के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा कि आपको जुड़ने के बाद वहाँ कुछ ना कुछ तो निगेटिव दिखी होंगी, तो वो निगेटिव चीज़ आपको क्या दिखी? ज़्यादा तो हमको निगेटिव कुछ दिखा नहीं, लेकिन एक निगेटिव हमको दिखा कि क्लासेस के दौरान में कुछ बच्चे कुछ कॉमेंट करते हैं, कुछ बच्चे फीडबैक डालते हैं या जो भी डालते हैं, उसमें एक मजाक का मूड बन जाता है, एक सीरियसली जो होता है ना वो नहीं हो पाता। कभी कभी कुछ सर आ जाते हैं तो क्लासेस लेते हैं, तो उसमें कभी कभी कुछ बच्चे मजाक कर देते हैं, तो सर लोग भी मजाक करने लगते हैं, सीरियसली मूड में वो हो नहीं पाता, वो मतलब रिदम जो होता है वो टूट जाता है। तो ये तो आप जैसे सीरियस स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा चाहते हैं कि क्लास के बीच में थोड़ा इंटरटेनमेंट होता रहे, जिससे कि मन लगा रहे क्लास में। जी जी।
अच्छा, नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि एक आपने पॉजिटिव गिनाया तो आपने इसको ऑफलाइन कोचिंग से कंपेयर किया। हाँ। जिसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि माइक पकड़िए कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है ना कि ऑफलाइन में हम लोग फिजिकल टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं और मतलब कि सामने में हम तुरंत क्लास के दौरान अपना डाउट्स पूछ पाते हैं। तो क्या ऑनलाइन में अनअकैडमी पर आपको ये सुविधा मिलती है, बेनिफिट मिलता है? मिलता है, ऐसे नहीं है, हम लोग कमेंट करते भी हैं और सर लोग को रिप्लाई आता भी है, नो डाउट आता भी है और अच्छे तरीके से डील करते हैं। ऐसा पॉइंट देखिए अनअकैडमी में हम ये चीज़ नोटिस किए हैं कि उन लोगों का पॉइंट बाय पॉइंट अच्छे से डील करते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और नो डाउट मतलब इस बार उम्मीद है कि 21 to 22 का जो सेशन होगा इस बार सी जी एल में उम्मीद करते हैं अच्छा करेंगे। तो आप पूछते हैं, आपको उसके लिए टाइप करना पड़ता है, कमेंट करना पड़ता है। यदि अगर इसी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को जैसे कि जूम मीटिंग होता है जहाँ पे 1-to-1 इंटरेक्शन होता है जी। तो उसी तरह से यदि कर दिया जाए जिसमें कि स्टूडेंट्स खुद लाइव, जैसे कि मान लीजिए 1 घंटे की क्लास है, आधे घंटे के टीचर ने अपना लेक्चर लिया, आगे के 10 मिनट में कह दिया जाए जो भी स्टूडेंट अपना डाउट पूछना चाहते हैं वो डाउट पूछ सकते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट खुद माइक में बोल करके या वीडियो के फॉर्म में टीचर्स के से क्वेश्चन पूछे, तो ऐसा मतलब कि कोई फंक्शन इंप्लीमेंट किया जाए अनअकैडमी में तो कैसा रहा, जहाँ की स्टूडेंट को टाइप करके क्वेश्चन ना पूछना पड़े? हाँ जी, देखिए ऐसा नहीं है, जिस तरह की मेरा मानना है कि जिस तरह की अनअकैडमी में जिस तरह का क्वेश्चन का डील किया जाता है और कुछ क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो होता है, लेकिन सब कुछ उसमें आपको बताया अच्छे से जाता है और कुछ क्वेश्चन जो होता है उसमें अगर कमेंट में डाल भी दिया जाता है तो सर लोग उसको कहते हैं कि अगले क्लासेस में या फिर ले भी लेंगे, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इस पर डील अच्छे से किया जाता है, नो डाउट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिलेबस के ऊपर, क्योंकि सिलेबस कम्प्लीशन एक बहुत ही बड़ा मैटर होता है किसी भी एग्जामिनेशन में जी। तो क्या अनअकैडमी पे सिलेबस टाइम से कंप्लीट किया जाता है? हाँ जी, नो डाउट क्लासेस होता है, टॉपिक बाय टॉपिक होता है, इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है, एकदम टॉपिक बाय टॉपिक इसमें डील किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें मोटिवेशनल बातें जो होती है वो अच्छी लगती है, जो क्लासेस के दौरान मोटिवेशनल बातें होती हैं अच्छी लगती है, लेकिन नो डाउट अच्छे से। अब मैं बात करूंगा थोड़ा सा कैटेगरी वाइज, जैसे कि आप एसएससी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेके रखे हैं तो वहाँ पे बहुत से एक साल का वैलिडिटी वाली है, तो एक साल के दौरान में बहुत सारी बैचेज स्टार्ट हो रही होती है, बहुत सारे कंटेंट पहले से ही अवेलेबल है, मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक साल के लिए आपको तीनों का एक्सेस मिलता है। तो वहाँ पे इतने सारे टीचर्स का भीड़ है, उसमें से अच्छे टीचर्स को सेलेक्ट कर पाना ये स्टूडेंट के लिए कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड होता होगा, तो क्या आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आया तो आप इसको कैसे डील किए? देखिए सर, जब तक हम किसी के बारे में जब तक 2-3 क्लासेस नहीं लेते हैं ना तो उसके बारे में हम लोग जजमेंट नहीं दे सकते है ना सर, चाहे कोई भी टीचर हो। और नो डाउट अनअकैडमी में जितने भी टीचर हैं सारे एक्सपीरियंस होल्डर हैं और क्लासेस जो लेते हैं सब अच्छे से ही लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर इंग्लिश की बात करता हूँ, तो मान लीजिए इंग्लिश के वहाँ पे 20 फैकल्टी अवेलेबल एसएससी कैटेगरी में, तो मैं कैसे डिसाइड करूँ कि मुझे कौन से टीचर से क्लास लेना है, कौन बेस्ट है? कौन बेस्ट है अभी इसके लिए तो हम सर देखिए अब एक ही बात कहेंगे कि जो पॉइंट बाय पॉइंट जैसे आपको हम आपको बात करते हैं कि कॉमन एरर का, कॉमन एरर एक ऐसा सेक्शन है कि एसएससी एग्जाम के लिए बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि उसमें ग्रामेटिकल सेक्शन पूरा जुड़ा रहता है ना, ग्रामेटिकल सेक्शन पूरा जुड़ा रहता है। तो ग्रामेटिकल में होता क्या है ना कि जो अच्छे से डील करते हैं ग्रामेटिकल में जो अच्छे से डील करते हैं हर चीज़ जो बताते हैं वो अच्छा होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग भी चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, हमारा कूपन कोड है उमंग स्टडी, इसको यूज़ करेंगे तो आप फ्री प्रोडक्ट को अनलॉक कर पाएंगे, साथ ही इस कूपन कोड से आप लोग 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन में। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से जाकर आप लोग फ्री क्लासेस अवेल कर सकते हैं, अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। तो वाकई बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है फ्रेंड, आप लोग जाइए इस्तेमाल कीजिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।